गांव के सरपंचों ने संभाला शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा। ट्रैक्टर के जरिए गांव के एक सरपंच द्वारा शहर में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस के खतरे को कम किया जा सके। इस सरपंच का कहना है कि दूसरे लोगों को भी शहर को सैनिटाइज करने में अपना सहयोग देना चाहिए। देखो जी, करोना तो पहला गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। अपने पंजाब दे विच बहुत घट केस ने ते बहुत ही घट तरीके नाल फैल रहा है। ये जिहड़ी बीमारी है सारी बाहरों ही आई है, तो असी लोगों को यही जागरूकता दिंदे आ, लोगों को यही समझाउंदे आ वी बाहरों जिहड़े लोग आ रहे ने उन्हां दे किसे कॉन्टैक्ट च ना आओ। अपने आप नूं घर दे विच तुसीं आइसोलेट हो के अपने आप नूं लॉकडाउन कर। साडे पिंड इहो जिहा कोई बंदा नहीं हैगा जिहनूं राशन नहीं मिल रहा जी। असी मैं सरपंच होण दे नाते मैं पूरा आपका ख्याल रख्या होया आपके लोगों का। मैं अपने पिंड तो इलावा जिहड़े मेरे नाल दे पिंड ने जिहड़ियां होर झुग्गियां झौंपड़ियां ने उत्थे भी असी जगन्नाथ संस्था दे नाल असी पैक्ड थाली, ये मतलब पूरी पैक्ड थाली, दो सब्जियां नाल एक कौली चौलां दी बनी हुई ते नाल तीन फुलके पर बंदे नूं असी दे रहे हां, पर बंदे नूं। जिहड़ी मुहिम तां सैनिटाइजेशन, देखो सरकार वालों सानूं दवाइयां मिलियां ने, असी वो दवाइयां लैके उन्हां नूं घर घर जाके जिहड़े जिहड़े लोग ने जिहड़े कुंडे ने जिहड़े अनपढ़ लोग ने उन्हां नूं नहीं समझ आउंदा कि सैनिटाइजेशन दा मतलब की है, बीमारी किवें वधदी है, किवें फैलदी है, असी उन्हां नूं समझाउंदे आ वी हथ ना लाओ दरवाज़ों नूं, कुंडियां नूं, कंधां कौलियां नूं। असी जिथे तक हो सकदा असी उन्हां नूं सारे नूं जाके पूरा सैनिटाइज करते हैं जी।